पीडी 23 वाट का है, यूएसबी सी पीडी आउटपुट। ओ बिल्ट इन केबल है इसमें, और आपका चार्जर इस तरह से देखेगा। ये हो गया आपका पावर बैंक है, सॉरी तो सी थ्रू लिखा है। सीरीज 20,000 mAh पावर बैंक। अपना शेयर हो भाई। इसका पैकेट का अंदर इन द बॉक्स मेन यूनिट 15 वाट चार्जिंग केबल यूजर मैनुअल। बाकी पैकेजिंग बहुत सुंदर है, इसे खोलने का तरीका भी बहुत सुंदर है। ये देखिए इस तरह से खुलेगा। सीधा पावर बैंक आ रहा है देखने को। यूजर मैनुअल एक है, इसका चार्जिंग ए टू सी, या सी टू सी क्यों नहीं दे रहा है पता नहीं आजकल। चलो ये भी चल रहा है। कुछ एक वारंटी कार्ड है। गिव योर फीडबैक, रेट अस ऑनलाइन। अगर अच्छा है तो फीडबैक दे देंगे क्या। ये आपका रजिस्टर फॉर वारंटी इम्प्रूव करेगा। अगर हो सकने से अपना लोकल ब्रांड लेना है। रबर कोटिंग है, रबर कोटिंग मतलब थोड़ा ब्रेडेड डिजाइन में दे दिया। लुक्स तो दे दिया ब्रेडेड का, लेकिन ये डिजाइन का वजह से लग रहा है कपड़ा नहीं है ये। थोड़ा छोटा एक्सपेक्ट कर रहा था पहले से। मैं ना हमेशा सोचता रहता है यार ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं बनाता है, लेकिन कई चीज़ों में ऐसा है आपका ट्रांसपेरेंट नहीं बना सकता है। ट्रांसपेरेंट बनाने से आपका प्लास्टिक होगा, एक तो ट्रांसपेरेंट ही प्लास्टिक ही ट्रांसपेरेंट हो सकता है, या तो शीशा होगा। प्लास्टिक मतलब आपका हर इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके मेल्टिंग पॉइंट वगैरह देख के ना। तो आजकल तो काफ़ी डेवलप हो गया, एडवांस हो गया, तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक भी लगाने लग गया आजकल। तो ये नटिंग फोन जो आता है फुल ट्रांसपेरेंट, वो अच्छा लगता है मुझे। ट्रांसपेरेंट पावर बैंक। बैटरी इसका नहीं दिखा दे रहा है, जिसका डिजाइन देख के और फोटो में छोटा सा दिख रहा था ऐसे डायरेक्ट खरीद लिया, इसलिए मैं इसका फंक्शन पूरा पता नहीं। अभी इसको ऑन करके देखेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन ये डिस्प्ले जैसा लग रहा है यहाँ पे। और यूएसबी का तो ये देखे ए टाइप का यहाँ दिखाई दे रहा है, और यूएसबी सी का वो है। माइक्रो यूएसबी तो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो ही रहा है धीरे धीरे। और बाकी रेसिस्टर वगैरह है इधर में, छोटा छोटा रेसिस्टर। तो अच्छा लगता है ये सर्किट बोर्ड जो भी है ना इसका पूरा दिखाई दे रहा है, और सर्किट बोर्ड के ऊपर में ही डायरेक्ट डिस्प्ले बिल्ड कर दिया, तो ये बढ़िया है। और साइज इतना तो छोटा नहीं है, मैं इससे भी छोटा एक्सपेक्ट कर रहा था। तो ये खोलने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, ये यूएसबी ए टाइप का दिया हुआ है, यूएसबी सी, ओ माइक्रो यूएसबी भी दिया हुआ है यहाँ पे। ये तो अपने आप ही खोल रहे, क्या है पूरा निकालने का नहीं है लगता है, शायद ये इतना ही निकलेगा। अच्छा तो इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है। ओ ये आपका क्या बोलते हैं इसको, थंडरबोल्ट, मतलब एप्पल यूजर्स के लिए, बाकी घर वालों को काम में आएगा ये, मेरा यही काम का है। ये थोड़ा लूज दिया है पता नहीं क्यों, ये जाम नहीं हो रहा है ये। वैसे तो नहीं निकल रहा है, लेकिन बैग वैग में रहेगा तो ये अपने आप स्लाइड होकर जा सकता है। ओह ये निकल गया, बढ़िया। मैं सोचा था ये आपका यहाँ फिक्स है, फिक्स नहीं है, इसको निकाल सकता है, ये दो केबल निकाल सकता है आपका। ये साइड करो, उसके बाद में ये यूएसबी ए टाइप का है, लेकिन इसमें ना यूएसबी तो घुसेगा, लेकिन देखिए थोड़ा सा अंदर घुस के है, इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये पोर्शन तो यूएसबी का है, यूएसबी ए टाइप, लेकिन ये पूरा चीज़ अंदर चला जाता है ये वाला मोटा करके। ये लगा के देखते हैं जो इसका साथ में दिया हुआ है यहाँ पे ना, ये नहीं घुसेगा, ये नहीं घुसेगा, ये यहाँ से घुसेगा, ये यहाँ घुसेगा। ये यहाँ घुसेगा आपका, यहाँ पे होल चार है, एक माइक्रो यूएसबी है, यूएसबी ए टाइप और यूएसबी सी टाइप, ये ए टाइप। तो अभी और ये जो इसके साथ में ये वाला केबल में लगेगा था अलग सा है, तो ये वाला तो यहाँ नहीं घुस रहा है, ये सिर्फ यहीं घुसेगा इसका। ये है पर्पसली यहाँ बनाया हुआ, ये यहाँ रखने का दिया है ऐसा करके। ये भी थोड़ा सा इसको होल्ड भी कर सकते हैं ऐसा करके, ये होल्ड करने के लिए दिया हुआ है। ये ख़राब तो होगा ही क्योंकि केबल है, लेकिन ऐसे आप नॉर्मली झुला कर रख सकते हैं इसको। यार 20,000 mAh का है, तो उस हिसाब से 20,000 mAh के हिसाब से ठीक ही है ये, बस थोड़ा सा आपका बॉक्सी टाइप बना दिया ये,
दो सेल, चार सेल तो होना चाहिए, चार या छह सेल होगा इसके अंदर में। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है ये वाला, अच्छा ये दबाने से ऑन होना चाहिए। अभी हम लोग इसको दबा के देखते हैं, इसको मैं दबा रहा हूँ, ये ऑन हो गया। 5-10 सेकेंड के बाद ये डिस्प्ले ऑफ हो जाता है, मतलब ये है आपका आउटपुट का। यहाँ पे आउटपुट कितना वाट जा रहा है वो यहाँ से दिखाई देगा। अभी इसका 5.2 वोल्ट अभी देगा, 20% है। इससे हम लोग चार्ज देखते हैं, चार्ज हो रहा है। और यहाँ पे 20% इसका बैकअप है अभी तक का, 5.1 वोल्ट है आउटपुट दे रहा है, 0.58। USB C to C है ये वाला चार्ज देखेंगे। और अभी इसमें ज़्यादा दे रहा है, मैंने इससे लगाया था ये वाला जो USB A टाइप से, तो आपका यहाँ यहाँ दिखा रहा था 0.5 AH, ये कम से कम 1.4 AH का अभी पावर डिलीवरी हो रहा है इसमें। ये मतलब कि आपका फास्ट चार्जिंग काम कर रहा है अभी। चलो ठीक है, तो काम कर रहा है ये, बहुत बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक है। अदरवाइज 20,000 mAh से तो छोटा है, पहले मेरा था बहुत पहले, मतलब 8-9 साल पहले मेरा 20,000 mAh का इतना बड़ा था, इसका बक्सा का बड़ा बड़ा था मेरा पावर बैंक। उस हिसाब से तो देखो अभी ठीक है, मतलब छोटा है लेकिन इतना छोटा भी नहीं है। हाथ में तो आ रहा है, ये है। बस यही है, तो इसका तो बस